राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का आरोप कांग्रेस शहर अध्यक्ष रेड्डी ने आयोजित पत्र परिषद में लगाया। एसीसी सीमेंट कंपनी से बाहर निकली बिक्री के लिए प्रतिबंधित सीमेंट बैग की हेराफेरी में आरोपी रहे कांग्रेस घुघुस शहर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इसी के चलते मध्यरात्रि के दौरान गिरफ्तारी की और 20 दिनों बाद भी अन्य दो आरोपियों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है। रेड्डी ने कहा कि आरोपी कलीम खान के घर से बरामद नॉट फॉर सेल वाली सीमेंट की थैलियां उनकी नहीं थी। अब यह स्पष्ट हो चुका है वह थैलियां ठेकेदार को आवंटित की गई थी। इसके बावजूद न तो अब ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है और न ही कलीम की गिरफ्तारी हुई है। सीमेंट मामले में अपना नाम सामने आने के बाद उन्होंने स्वयं पुलिस थाने में फोन कर अपना बयान दर्ज करने की बात कही थी, किंतु उस समय पुलिस ने उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया। रेड्डी ने कहा कि जब वे स्वयं पुलिस में हाजिर होना चाहते थे तो इस तरफ उन्हें जबरन उठाकर ले जाने की पुलिस को क्या जरूरत थी। इस बात का जवाब मांगने पर थानेदार ने MDPO के प्रेशर की बात कही।